नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हर कोई चिंतित है। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं, ऐसे में वहां मौजूद भारतीय छात्र सुरंग में रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। भारत सरकार हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के जरिए सड़क मार्ग से भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भारतीयों को एयरलिफ्ट कर वतन वापस लाया जाएगा। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके सामने, किस तरह से यूक्रेन में जो भारतीय छात्र वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। उन्होंने यहां पर देख सकते हैं आप सुरंग में, यहां कई बच्चे जो हैं यहां पर अपने आप को सेफ रखने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ एयरलिफ्ट की तैयारी यहां पर की जा रही है। आज रात भारत की तरफ से रवाना किए जाएंगे प्लेन। तो 16,000 भारतीय जिनका एयरलिफ्ट करना है भारत को, मिशन एयरलिफ्ट भारत का। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, ये वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। तो देश भर के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, पढ़ाई करने के लिए कई बच्चे यूक्रेन गए हुए थे और यहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो इस तरह की यहां पर देखने को मिल रही है। बच्चे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, सुरंग की तस्वीर है जहां पर बच्चे यहां पर छुपे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये सुरंग की तस्वीर जहां पर भारतीय कुछ बच्चे, तो बंकर में फंसे हुए ये बच्चे नजर आ रहे हैं। किस तरह से ना इनके पास खाने पीने के लिए, ना यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हैं खाने के लिए, इनके पास पर्याप्त सामान नहीं है, खाना नहीं है, और ऐसे हालातों में ये वहाँ रह रहे हैं। भारत सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि इन्हें एयरलिफ्ट किया जाए, इन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाला जाए। तो कभी सपने में भी इन्होंने नहीं सोचा होगा कि जिस देश में ये पढ़ने के लिए आए थे और वहाँ इस तरह का हाल इनका होगा। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो लगातार जो है अपील यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है उन्हें मदद यूक्रेन में इंडिया की जो एम्बेसीज हैं वो करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लगातार जो उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए, उन्हें यहां से वापस भारत लाया जाए। देख सकते हैं आप इंडियन फ्लैग के साथ बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं, बच्चे जो MBBS करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे। हालात जिस तरह से यूक्रेन में बने हुए हैं, लगातार रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों की सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के जरिए सड़क मार्ग से भारतीयों को निकालने का ध्यान केंद्रित कर रहा है। इधर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर कहा कि हरियाणा के लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। कल सुबह से हमारी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी गंभीर तौर पर तमाम स्टूडेंट्स से चर्चा कर रही है। हमने तुरंत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितनी रिक्वेस्ट आई उतने छात्रों को एम्बेसी से कनेक्ट करवाया और केंद्र के भी लोगों से हमारी चर्चा हुई है। ऑलरेडी जो 5 बॉर्डर्स यूक्रेन के साथ लगते हैं, चाहे वो सर्बिया का हो, पोलैंड का हो, अन्य देशों का, वहाँ की एम्बेसीज की स्पेशल यूनिट्स बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। कोई भी भारतीय नागरिक अगर आज यूक्रेन से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दो देशों में आपसी आज तनाव है, जब ऐसा तनाव आता है तो एयर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पिछले दिनों आपने अफगानिस्तान में भी देखा, डिप्लोमेटिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री दोनों देशों से निरंतर संपर्क में है। उनका भी ये प्रयास है कि हिंदुस्तानी नागरिक
केवल मात्र छात्र ही नहीं, कोई भी हमारे देश का नागरिक वहाँ पढ़ने गया है, व्यवसाय करने गया है, आज रिहाइश रखता है, उसको सुरक्षित अपने देश में वापस लाने का हमारा पूरा संकल्प है और एक एक नागरिक की जान को सुरक्षित रखना भी हमारे। यूक्रेन संकट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच हमारे देश के 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि समय रहते छात्रों को वापस बुलाया जाता। हरियाणा के भी छात्र हजारों बच्चे फंसे हैं। जब यूक्रेन में एयर स्पेस बंद हो गया तब टोल फ्री नंबर जारी किया गया। एक महीने से वहां रह रहे लोगों को क्यों नहीं बाहर निकाला गया? कि रूस का जो इश्यू है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध वहां पे छिड़ा हुआ है, उसमें हमारे भारत के 20,000 बच्चे जो हैं, जो मेडिकल की परीक्षा के लिए, जो डॉक्टर बनने के लिए जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले रखे हैं, इस बात को लेकर के बहुत दिन से आशंका जताई जा रही थी कि रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करेगा। हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, देश के प्रधानमंत्री जी की, कि समय रहते उन सब बच्चों को वहाँ से या तो वापस इंडिया बुलाना चाहिए था या उनको किसी सुरक्षित स्थान पर दूसरी कंट्री में किसी से बात करके वहाँ उनको शरण दिलवानी चाहिए थी। उसमें हरियाणा प्रदेश के 6200 बच्चे हैं, जिसमें 700 अकेले करनाल के हैं, बाकी अलग अलग जिलों के हैं। अब मुख्यमंत्री जी टोल फ्री नंबर देते हैं कि हमारे से संपर्क करो, अब तो उनको वहाँ से निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब तक वहाँ पे इस किस्म की परिस्थितियाँ रहेंगी, ना तो कोई हवाई मार्ग है वहाँ से, ना कोई और किसी रास्ते से उनको निकाला जा सकता, इसके लिए समय रहते इनको पहले से उनको निकालना चाहिए था। अब भी देश के लेवल पे हमारे मुख्यमंत्री को विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी से बात करके उन बच्चों को किसी तरीके से सुरक्षित वहाँ से निकालना चाहिए। रूस के यूक्रेन पर हमला करने से प्रदेश के विद्यार्थी वहां फंस गए हैं, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई है। परिजन अपने बच्चों से बार बार फोन पर बात कर उनकी सुरक्षा और यूक्रेन के हालात जान रहे हैं। हालांकि यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों ने अपने परिजनों से बातचीत में कहा है कि भारतीय दूतावास द्वारा यहां फंसे भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करवाई जा रही है। परिजनों ने सरकार से यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए बच्चों को जल्द ही स्वदेश लाने की अपील की है। ऐसे जी, बिटिया का नाम उर्वशी है और वो यूक्रेन में 2017 में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी। वहाँ पे पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ चला ही हुआ था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कल सुबह रूस ने अटैक किया है, उसके बाद स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। बच्चे भी पैनिक में हैं, हम भी पैनिक में हैं, लेकिन बच्चे ये शो नहीं कर रहे हैं, ना हम शो कर पा रहे हैं, हम किसी के सामने रो के क्या दिखाएंगे। और बच्चे उल्टा हमें कह रहे हैं, पापा आप चिंता मत करना। तो ये बच्चों के हौसले को मैं दाद दूंगा। सही, कल रात को 6:30 बजे के आसपास बात हुई थी व्हाट्सएप कॉलिंग पे, उसके बाद उनको उसने यही बताया था उस समय कि पापा हमें ये कहा गया, ये निर्देश मिले हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, और मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड बने हुए हैं तो वो बंकर का काम करते हैं, तो वहां जाके आप रहिए। और पूरी रात वहां 2 डिग्री टेम्परेचर पे वो बच्चे रात काटी है उन्होंने। अब कैसे काटी है वो तो वही जानते हैं। छोटा भाई यहाँ से लगभग 4 साल पहले MBBS करने गया था, 1 साल अभी गया था, अब 6 महीने पहले वो यहाँ से गया है। ऑनलाइन क्लासेस थी पहले उनकी, ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई, वो ऑफलाइन कर दी गई है। उसके बाद उन्हें वहाँ जाना पड़ा, तो अब वहाँ जाने के बाद अब वो जैसे वहाँ पे अब्दुर हुआ है, यूक्रेन रूस ने, रशिया कंट्री ने जो यूक्रेन पर जो हमला किया है उसकी वजह से उनको यहाँ बुलाया गया था हमने। तो बुलाने के बाद उन्होंने टिकट कराया अपना, टिकट कराने के बाद उनको यहाँ आना था, तो वो एयरपोर्ट पहुँचते कॉलेज से तो फ्लाई एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया, मिसाइल दाग दी गई, तो पूरी एयरलाइन क्रैश कर दी गई है। ये मेरा छोटा भाई है जी, सरकार से यही मांग है जी, जो मेरा भाई और वो और भी सारे भाई मेरे जो हैं इंडिया के छोटे हैं और हमारे इंडिया का एक भविष्य है वहाँ पे, तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि ये सारे भाइयों और बहनों को हमारों को इंडिया लाया जाए, और उनके लिए जो परेशानी हो रही है, उनके लिए पेट में कुछ भी नहीं है, यानी कि पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है,
दो बेटे हैं, एक वड्डा वाला दा मोहाली च जॉब करता है ते छोटा वाला यूक्रेन गया सी इंजीनियरिंग दी स्टडी करन ते उन्हों 3 साल हो गए ने उत्थे पढ़दे हुए ते हुण अचानक ही ये जिहड़ी वार शुरू हो गई ते वो उत्थे घबराया होया सीगा। असीं उहदी टिकट कराई ते भी उन्हों कहा तूं यूक्रेन तो निकल, हुण वो उत्थे 20,000 बच्चे फसे हुए ने, वो सारे बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं बच्चे। तो जिवें भारत सरकार दे निर्देश आया कि पोलैंड तो उन्होंने रेस्क्यू किया जाएगा तो असी भी बेटे नूं कहा कि तू पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँच जा, अगों दी साडी भारत सरकार भी उन्होंने इंडिया वापस ले आएगी। नाम हरजीत सिंह है, बेटा यूक्रेन गया हुआ है, 2018 च गया सी स्टडी करन वास्ते गया सी, उत्थे ते उत्थे ही सी, हुण युद्ध के हालात हो गए सी ते उहनूं आपां काफ़ी 15 दिन हो गए सी, कह रहे सी कि सुनने च आ रहा न्यूज़ च आ रहा है तो तुसी वापिस आ जाओ, तो बस फ्लाइटा की दिक्कत सी थोड़ी जी, तो उन्हें हूँ 27 तरीक की फ्लाइट बुक सी, वो 7 बजे कीव एयरपोर्ट तो चलनी सी फ्लाइट, और 1 तरीक नू सवेरे इत्थे 6 बजे उतरना सी उन्हें, क्योंकि 24 घंटे का वह उत्थे रोकना सी, कजाकिस्तान रुकना सी उन्होंने 24 घंटे। नाम वेदपाल है, मैं गाँव का निवासी हूँ और मेरा लड़का यूक्रेन में MBBS का कोर्स करने के लिए 4 साल पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहा है, और जब युद्ध का जिक्र सुना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है, तो प्रशासन से गुहार है हमारी है कि किसी तरह से हमारे बच्चे को यूक्रेन। यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने गए टोहाना के रहने वाले मनन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव जमालपुर में निवासी मनन के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार को अन्य 31 देशों की तरह युद्ध से पहले ही इन बच्चों को वापस बुलाना चाहिए था। रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही जंग ने हरियाणा के सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों के सकुशल वापसी के लिए परिजन भगवान से प्रार्थना के साथ तमाम प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटी करनाल जिले की मेडिकल छात्रा दिव्या ने वहां के हालातों और जंग के कारण लोगों को हुई दिक्कतों के बारे में बताया। वही दिव्या के परिजनों ने भी वापसी में हुई दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने। रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने भारत के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए बड़ी चिंता और संकट खड़ा कर दिया है। जिन परिवारों के बच्चे यूक्रेन में स्टडीज़ के लिए गए थे, अब उनको अपने बच्चों की वापसी की चिंता सता रही है। हालांकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जो यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे हैं। ऐसी एक बच्ची है, मेडिकल की छात्रा है, जो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वो अब करनाल लौटी है। छात्रा दिव्या सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल था या किस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरी हैं और यहाँ अब पहुंचकर उनको कैसा लग रहा है। दिव्या, तो जिस तरह से ये सूचनाएं आनी शुरू हुई थी कि जंग हो सकती है या जंग शुरू हो चुकी है, तो कैसा माहौल था वहाँ पर? वहाँ पे अंदर तो बहुत ज़्यादा पीस था, इतना ज़्यादा मतलब लोगों को डराया नहीं गया था, बट यहाँ न्यूज़ चैनल्स में हमने काफ़ी देखा था कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया एंड वॉर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 14 फेब को हमारी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जो अपने मदरलैंड जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। तो हम 16 फेब को हम वापस आ गए थे। यहाँ से और भी आपके जो होंगे क्लास में पढ़ने वाले या और भी यहाँ अपने इलाके से संबंधित होंगे, वो कितनी संख्या होगी यहाँ? अराउंड हम 200 से 300 बच्चा तो हम आ चुके हैं वापस, और वहाँ पे करंटली 300 से 400 बच्चे अभी भी हैं। तो किस तरह की दिक्कतें हुई जब इस तरह जंग के हालात बने हैं वहाँ पर, किस किस तरह के प्रतिबंध वहाँ पर लग चुके थे? सुबह एक तो 5:30 बजे के आसपास वहाँ पे लोगों को अपने हॉस्टल्स के अंदर अपार्टमेंट्स में लोगों को बहुत आवाज़ें, बहुत शोर हो गया था एकदम, एंड एकदम से सब पूरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चली गई थी। तो फिर सब फटाफट रश में फटाफट सुपरमार्केट गए थे, वहाँ से सामान वाम कलेक्ट करने लग गए थे सब। बाहर बहुत ज़्यादा रश था, ATMs आउट ऑफ कैश हो गए थे एंड काफ़ी रश था वहाँ पे, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अब काफ़ी मार्केट वगैरह सब बंद है। सिचुएशन एकदम डाउन हो गई थी, बस हम प्रेयर कर रहे थे भगवान से कि हमारी बेटी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। फिर हमने टिकट के जो गूगल से निकालते हैं कि वहाँ से फ़्लाइट निकली है कि नहीं निकली, बेटे ने निकाल के देखी कि वहाँ से फ़्लाइट
भी ऑफ डे ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे पहुँचने वाली है डेली, तो हमने जल्दी से जल्दी हुआ भी पहुँचने की कोशिश करी अपनी बेटी को देखे कि हमारी बेटी हमारे सामने है, और यही हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि सारे बच्चे ऐसे ही सेफली आएँ, और जो आगे है सिचुएशन हम चाहते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए वहाँ पे, ताकि जो हमने बच्चों के ऊपर पैसा लगाया है और इनकी जो स्टडी है जो ऐसे ही नॉर्मल चलती रहे, और हमारी बच्ची की जो डिग्री है वह वैस लेके आए। अब ये फोर्थ ईयर में तो हम चाहते हैं कि दो साल जो इसके रह गए हैं सभी बच्चों की जो स्टडी है कंटिन्यू वहाँ चलती रहे, ताकि इनकी बच्चों के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े, ताकि जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स ने पैसे लगाए हुए हैं वो उनके पैसे पूरे वसूल हों कि हमारे बच्चे सेफ आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, पहले कोरोना की मार और अब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की मार, ये उन प्रवासियों के लिए कहर बनकर टूटी है जो अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में अपने भविष्य की तलाश में गए थे। एक बार फिर ऐसे लोगों को झटका लगा है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इंडियंस हैं उनको सड़क मार्ग से भी यूक्रेन से निकाला जा सके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इस दौरान जो परिवार हैं वे बेहद चिंतित हैं और सरकार से यही उनकी गुजारिश है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सकुशल वापस लाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले की उचाना, जुलाना, नरवाना हलकों की करीब 50 सड़कों का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद शहर की सड़कों का भी विकास किया जाएगा। अमृत योजना के तहत प्रदेश सरकार के पास 18,000 करोड़ रुपए की राशि आई है और इस राशि से पूरे प्रदेश की सड़कों का नवीनीकरण होगा। जींद शहर में अभी अमृत योजना के तहत बरसाती पानी और सीवरेज के पानी की निकासी की योजना चल रही है। ये काम पूरा होते ही सभी सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। सड़कें जिनकी वाइडनिंग और एक्सपेंशन हमने अप्रूव करी है, उनके शिलान्यास या कंप्लीशन आज करे हैं, और जो हमारा टारगेट था, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे हमारे लास्ट ईयर की सीएम अनाउंसमेंट जो बजटरी थी जिसके अंदर 6 क्रम से ऊपर की सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग और कारपेटिंग, इसके कार्यों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया सर। और ये अपने आप में एक दिशा है जींद जिले को प्रगति और विकसित करने के पथ पर ले जाने की, जिसमें आज चाहे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे 2 नए कॉलेजेस लाने की बात हो, चाहे एक और पर मेवात को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आगे लेकर हम जा रहे हैं, वहीं जींद को भी सेंट्रल हरियाणा उपभोग के नाते भी और विकसित कैसे किया जाए, इस पथ पर हम हमारा ये प्रयास है कि जितना बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा क्षेत्र का विकास होगा। और आपने स्वयं देखा होगा कि जहाँ जहाँ नेशनल हाईवेज चले हैं वहाँ वहाँ इसका लाभ मिला। और इसी के साथ हरियाणा विशेष फिलहाल इतना ही। नमस्कार।